नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशन ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, DSSB के एग्जाम चले हुए हैं। आज मैं SST फीमेल, जो उनका 15 और 16 तारीख में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट में, और जो 14 नवंबर में फिर एक बार उनका एक शिफ्ट और बची हुई, एक दिन और बचा हुआ है उसमें होना है, तो इन सब का एक सेप स्कोर और कैसा पेपर पैटर्न था, कहाँ तक इनकी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, तो इस विषय को लेकर मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर देना, और शेयर जरूर करना इसको, क्योंकि मैं आज बहुत ही हेल्पफुल एनालाइज इसमें करने वाला हूँ। चलिए इस स्वर्ण सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 15 अक्टूबर में सभी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ इनका, उसमें फर्स्ट जो सेक्शन था वो सही था, लेकिन मैथ थोड़ा टफ था, क्योंकि उसमें अगर वो उलझ जाएंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग था मैथ का, बाकी सब नॉर्मल था, मतलब इसमें सब बच्चे इजीली स्कोर कर जाएंगे। मेन मुद्दा था सेक्शन बी, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आता है, उसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो बच्चे कभी याद भी नहीं करते, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, मतलब हिस्ट्री पोर्शन ज़्यादा था इसमें। वर्ल्ड हिस्ट्री जिसकी अच्छी होगी या जिसने सीरियसली स्टडी की होगी वही अच्छे मार्क्स इसमें ला सकता है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स करने के लिए अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, और ऐसी कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, परंतु फिर भी जिसने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है और केवल हिस्ट्री ज़्यादा पूछ दी गई है, तो फिर भी सेक्शन बी को टफ कहेंगे। सेक्शन ए मॉडरेट और सेक्शन बी जो है वो हार्ड था। तो ओवरऑल जो 15 तारीख का जो आपका एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है, हार्ड प्लस कह सकते हैं हम, मॉडरेट टू हार्ड है। अगर उस दिन की कट ऑफ अगर 15 तारीख के आधार पर कट ऑफ जाए तो वो 100 पे घूम जाएगी, श्योर 100 से ऊपर नहीं जाएगी आपकी जो 15 तारीख वाली है, ठीक है। तो अब मैं ये एक कंक्लूजन बताऊंगा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, क्या कट ऑफ बन सकती है, क्या होगा मैं बाद में उसको बताऊंगा। पहले आई विल एनालाइज योर 15 एंड 16 पेपर एंड जो अपकमिंग 14 नवंबर में कैसा पेपर आपका आएगा। तो अब बात करते हैं हम 16 नवंबर वाले एग्जाम की। 16 नवंबर में आपका फर्स्ट पार्ट ओके था, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसमें भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश भी थोड़ा हैवी थी, तो उसको मॉडरेट ठीक कह सकते हैं, मॉडरेट प्लस बोल सकते हैं, और सेक्शन बी ठीक था, इतना इजी भी नहीं था इतना हार्ड भी नहीं था, उसको भी हम मॉडरेट प्लस बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो, क्योंकि जो इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी इजी भी थे और काफ़ी टिपिकल भी थे, तो इसमें सेक्शन बी में 16 तारीख वाले में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको क्लियर करने में। तो 16 तारीख वाला जो पेपर था वो मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड था। तो अगर हम कंपैरिजन करें बोथ 15 और 16 में, तो अगर स्केल हो 10 का और तो इसमें मान लिया 15 तारीख वाला 10 है तो ये 8, तो 2 मार्क्स का डिफरेंस है इनके बीच में, इतना इनका डिफरेंस था। और जहाँ तक उम्मीद है 14 तारीख वाला या तो 9 लेवल का आएगा, जब जैसे मैंने स्केल 10 किया है, या तो 9 लेवल का आएगा या 7.5 लेवल का आएगा। तो इस तरह से अगर हम तीनों को देखते हैं तो नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, क्योंकि DSSB ने क्लियर कर दिया कि हम इस प्रक्रिया को, नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया को लगाएंगे, जिससे सभी बच्चों को उचित न्याय मिल सके। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं जो कट ऑफ देख रहा हूँ इसकी, जनरल के लिए
100 से लेके 115 ज्यादा से ज्यादा अगर गई भी तो 120 छू सकती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। 100 और 120 या 115 वाले जो बच्चे हैं वो अपने को सेफ स्कोर मान सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ओबीसी की 90 से लेके 105 तक का पूरा क्रिटेरिया है, ठीक है। और जो आपके एसटी एससी आते हैं उनका क्रिटेरिया है आपका 80 से लेके 90 तक, इनका थोड़ा डाउन भी जा सकता है एक दो मार्क्स, परंतु जो एक ओवरऑल सेफ स्कोर है वो 115 घूम रहा है मेरे दिमाग में, और 100 से 115 मैक्सिमम 120 जा सकती है, इससे फालतू नहीं जाएगी। हो सकता है 100 पे ही आ जाए लट्टू, ये बस चलेगा आपका 14 नवंबर का जो एग्जामिनेशन होगा उस पर आधारित है पूरा सोशल स्टडी की, जो आपका सोशल साइंस का आपका जो ये एसएसटी का जो एग्जाम हुआ है फीमेल का। तो मेरे विचार से पेपर बहुत ही अच्छे थे दोनों दिन के, और 14 नवंबर का भी ऐसा ही होगा। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं 14 नवंबर वाले, उनको मैं विशेष हिदायत देता हूँ कि आप सेकंड पेपर को अच्छे से पढ़ें। अगर आप जिसने डीप नहीं पढ़ा है वो अच्छे मार्क्स उसमें नहीं ला सकता। अभी एक महीना के करीब है, 20-25 दिन है, तो आप उसको पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। जय हिंद। कोई और खबर होगी तो मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार एंड जय हिंद।